हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे. और मुस्कुराइए, आप लोग लखनऊ में हैं. मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. जी सर. क्या नाम है आपका? हल्का राइट. ओके हर्षा जी, आज कितने दिन हो गए आज आपको कार चलाते हुए? राइट पर कॉल कर हल्का सा राइट. हाँ, 60 डे. ओके, फर्स्ट डे से लेके 60 डे में क्या लगता है आपको, कितना परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ गई है? अप्रॉक्स 50 आई है. हाँ. वो तो आप डिसाइड करो. 50% आ गई, क्योंकि अगर आप अकेले अपनी कार को कंट्रोल कर पा रही हैं, बिना डरे बिना घबराए, वो चाहे फर्स्ट गियर हो चाहे सेकंड गियर हो, मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड गियर. थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर जो होता है वो ओवरटेकिंग के लिए होता है. जो कार को एक्चुअल सीखना होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड गियर एंड रिवर्स गियर. छोटी छोटी गलियों में हमें फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार चलानी है ना. रिवर्स के लिए थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी होती. तो मेरा मानना ये है कि जिसने फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को कंट्रोल करना सीख लिया, उसको 50 से 60% ड्राइविंग आ गई, जो चीज आज आप कर रही हैं. तो दोस्तों, आज मैं छोटी छोटी चीजें इनको बताऊंगा कि गलियों में कार को टर्न कैसे करना है, मेन रोड पे कार को कैसे चलाना है, टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर किस पैंडल पे होना चाहिए, टर्निंग से पहले कितना पहले सिग्नल देना चाहिए, हॉर्न कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए. ये सारी बातें जो आपको मल्टीटास्किंग जो होता है, A to Z, सारी चीजें मैं बताऊंगा. तो अभी हम लोग चल रहे हैं सर्विस लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम. हल्का राइट रखना. अब यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करो, क्योंकि यहाँ पे ना कट है लेफ्ट में, बट हमें सीधा जाना है. अब हॉर्न इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं. सीधा चलना है एकदम स्ट्रेट. कुछ लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं. सुबह का रोड खाली होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं चलो निकल लो, है ना. तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहना है. अब थोड़ी सी बढ़ानी है आपको स्पीड, क्योंकि आप सेकंड गियर में हो ना. सेकंड गियर में आप 20 तक मैक्सिमम 20-30 चल सकते हो, बट 30 तो नहीं जाना है, बट 20 आप चल सकते हो. हल्का राइट दबाओ. अब ब्रेक पे पैर लिया. ब्रेक पे पैर इसलिए बोला मैंने लाने के लिए कि ब्रेक नहीं लगाना था, मैंने इसलिए बोला ताकि जो आपकी स्पीड बढ़ी थी ना वो नॉर्मल आ जाए धीरे धीरे, ठीक है. इसलिए अब हल्का सा लेफ्ट रखना ताकि राइट से जो व्हीकल निकल रहा है उसको जाने दो, और बहुत ज्यादा लेफ्ट दबाना नहीं ताकि आपकी आपका जो व्हील है वो ऐसा ना हो पत्थरों पे चढ़ जाए. तो इसलिए आपको अपने लेफ्ट वाले ORBM को रिकॉल करना है. हॉर्न दीजिए लॉन्ग. थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जो साइकिल वाले चचा जा रहे हैं इनको क्रॉस कर लीजिए. हल्का राइट दबा के हॉर्न. गुड, बस आने दीजिए. बस की टेंशन ना लीजिए. थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आप, और बढ़ाइए. बस से पहले आप निकल चलोगे, और बढ़ाइए. घबराए, अरे आप बढ़ाइए, डरो मत. राइट रखो, राइट. सीतापुर तो जाना, और कहीं थोड़ी जाना है. चलो हल्का लेफ्ट आ जाओ, हल्का सा लेफ्ट आ जाओ. वेरी गुड. हल्का राइट रखो. देखो गजब, क्या गजब कंट्रोल कर रही हैं आप. टी पॉइंट से हमें लेफ्ट चलना, आगे चौराहा आ रहा है वहां से हमें लेफ्ट टर्न करना. तो उसके लिए अभी से आपको सिग्नल देना है. लेफ्ट का सिग्नल दे दिया इसलिए ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये कार लेफ्ट टर्न होगी, तो हमारे लेफ्ट से वो लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है. अब हल्का सा राइट रखो, बट हमें राइट से नहीं निकलना, हमें इसी लेफ्ट वाले से कोपचे से निकलना. ब्रेक पे पैर रखो. हाँ हाँ, ब्रेक पे पैर रखो. हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक लो. लेफ्ट आओ, थोड़ा सा और लेफ्ट आओ. गुड. अब सीधी करो स्टीयरिंग. हाँ, अब लेफ्ट ऑलरेडी आगे जो बंदा खड़ा इसको क्रॉस करके. हाँ हाँ हाँ, चलो चलो टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो. बस आराम आराम से, घबराना नहीं है. okay. अब सीधी करो. बस वो सर्विस लाइन से जो आया था I-20 वाला, आप पैनिक हो गई है ना. बट पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, ट्रेंड आप भी हो. बस पता है क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है ना. हार्ट निकल गया था, बोनट पे पहुंच गया था और धड़क रहा था. मुझे पता है, होता है होता है होता है. कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी ऐसे वैसे बंदे के साथ नहीं बैठे हैं. स्पीड बढ़ाइए, हल्की सी स्पीड लीजिए. वो एक अलग बात है कि चलती गाड़ी से मैं उतर जाऊंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप संभालना, मैं निकल लूंगा. ठीक है, आपने इतना सिखाई दिया, इतना सिखा दिया ना, यही मुझे सुनना था. अगर आप कहती ना, अरे भैया आप कैसे चले जाओगे ये वो, तो शायद मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जो मैंने आपको 60 डे में सिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी आप कंट्रोल कर सकती हैं, और बहुत अच्छा चला रही, नो डाउट. आप लॉन्ग हॉर्न पुश करिए. सामने 300 SUV जा रही, वो कभी भी राइट घुमा सकता है, वो कभी भी राइट घुमा सकता है. हल्का राइट दबाओ, राइट 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 दबाओ. हाँ, हल्का राइट दबाओ. बस अब वो ई रिक्शे से बचने के लिए. अब देखो ई रिक्शे वाले ने, ई रिक्शे और ऑटो जो चलाते हैं वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं न्यू बिगिनर्स के लिए. जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो नए नए सीखे होते हैं, वो थोड़ा पहले से डरे हुए होते हैं. ऊपर से ये लोग आके नागिन डांस करके डरा के चले जाते हैं. स्पीड कम, ब्रेक पे पैर रखो, और कोशिश ये करो ना कि आप अपनी गाड़ी लेफ्ट वाली लाइन में रखो, ताकि पीछे से जो भी व्यक्ति आए वो आपको डिस्टर्ब
ना करे, हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक, हाँ बस अब चलो जाने दो, हल्का राइट दबाओ, हाँ बस इसको लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लॉन्ग बस। अब अपनी गाड़ी लेफ्ट वाली लाइन में रखो, व्हाइट लाइन को क्रॉस मत करो, व्हाइट लाइन से लेफ्ट में रखोगी तो आप सुरक्षित रहोगी, सेफ रहोगी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, राइट वाला पैर एक्सेलेटर टू ब्रेक, एक्सेलेटर टू ब्रेक, एक्सेलेटर टू ब्रेक, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, गुड। फिर एक्सेलेटर पे, कभी कभी एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, बिना बात के भी प्रैक्टिस करते रहा करो, उससे क्या स्ट्रेट जहां से आपको मैंने लिया था वहीं आपको ड्रॉप करना है। टाइम भी तो एकदम सीधा चलना है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है आपका 7:55। ठीक है, क्योंकि हम यहीं से घर निकल लेंगे। हाँ, लॉन्ग हॉर्न दो, हाँ आगे से हमें लेफ्ट टर्न करना है, ऊपर का सिग्नल दो, हाँ, और राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें यहाँ से टर्न करना है। अभी जैसे देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग रॉन्ग साइड से टर्न करने लगते, तो आपको क्या करना, फुल क्लच दबा लेना, फुल क्लच दबाइए, हाँ फुल क्लच दबाइए, ब्रेक नहीं लेना है। अब गियर और इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है ना, अब अभी नहीं, अभी नहीं, अब हाफ क्लच छोड़ो, छोड़ो हाफ क्लच, टर्न करो, अब टर्न करो बस, अब सीधी करो, सीधी 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 सीधी, देखो रॉन्ग साइड से आया, सीधी करो स्टीयरिंग, स्टीयरिंग नहीं देखते हैं, यहाँ पे कांड क्यों हुआ, लेफ्ट आओ, क्योंकि आप स्टीयरिंग देखने लगी थी, और चलती कार में स्टीयरिंग को नहीं देखते हैं हम, राइट रखो हल्का राइट, हाँ चलती कार में स्टीयरिंग देखने का मतलब है कि हम सामने वाले लोगों को बोनेट पे बैठाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे से राइट चलना, राइट का सिग्नल दीजिए, हल्का लेफ्ट आके राइट, हाँ ये अभी चलने दो, अब धीरे धीरे राइट टर्न करो, टर्न करो राइट बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी साइड लेफ्ट है, हम ज्यादा राइट नहीं जाएंगे, धीरे 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 धीरे, हाँ अब हल्का सा लेफ्ट आओ बस, ज्यादा नहीं। अब ये देखो बाइक वाले को देखो, ये देखो क्या किया इसने, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, वो वाला है ना सनम, हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुम्हें ले भी डूबेंगे, जाएगा वो परेशानी हमारे लिए हो जाएगी। हल्का लेफ्ट आओ, गड्ढे को बचाना है, और लेफ्ट आओ, बीच में ले लो, हो गया निकल गया। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, पता है क्या होता, जो अगर विगनर हैं तो हमें ये, हमें बचना भी और बचाना भी है, हमें बचना भी और बचाना भी है, दो तीन चीजों पे आपको फोकस करना है। हाँ हल्का राइट रखो और जाने दो धीरे धीरे, हाँ राइट रखो थोड़ा सा और राइट, हाँ गुड, हल्का राइट रखो, हाँ और राइट, और राइट, और राइट, और हाँ, क्योंकि ये गलत आ रहे हैं दोनों लोग, राइट रखो राइट, अगर आप राइट अभी लेफ्ट आओ, अगर राइट नहीं रखती तो अभी क्या होता, हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, बाहर आइए गेट पे, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है ठीक, चलो स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, जाओ हाँ, चलो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर लो बस। अब वो पता है पूरा रॉन्ग साइड आ रहा था, जब मैं आपको राइट राइट बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, क्योंकि लेफ्ट में डिवाइडर था, लेफ्ट में एक बाउंड्री सी बनी हुई थी, उसमें टकरा जाती गाड़ी आपकी। हल्का राइट रखो राइट, डरो मत, लेफ्ट ज्यादा मत सटाओ, बस वापस लेफ्ट आओ, हाँ थोड़ा सा प्लानिंग करके रखो, घबराओ मत, पैनिक मत हो, लेफ्ट आओ लेफ्ट लेफ्ट, हाँ वो सीधी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, मुझे पता है होता है, स्पीड मेंटेन करो थोड़ा सा, चलो जाने दो, लेफ्ट आओ गुड, और हाँ लेफ्ट वाले ओआरबीम को चेक करो जरा, हाँ लेफ्ट वाला ओआरबीम देखो एक बार, हाँ गुड, हॉर्न लेफ्ट आओ गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे ना थोड़ा सा एक नैरो लाइन आ रही है, जो ब्लाइंड टर्न है और स्लोपिंग भी है ना, यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ लोगों की गाड़ियां फंसी रहती हैं, क्योंकि स्लोपिंग के साथ टर्निंग भी है और ब्लाइंड टर्न भी, दोनों साइड नालियां खुली हुई हैं, तो यहाँ पे जरा सा भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, पर आप टेंशन मत लीजिए, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, स्पीड मेंटेन करिए, चलो हल्का सा स्पीड मेंटेन करो, चलो रेस करो, हॉर्न स्पीड बढ़ाओ, जाओ और लेफ्ट आओ, थोड़ा हल्का सा चढ़ाइए ना, तो 20 के ट्वेंटी की स्पीड आप रख सकती हो, और लेफ्ट आओ, हाँ ब्लाइंड टर्न है,
यही तो सीखना है हमें। चलो अपना लेफ्ट ही रखो, राइट जाओगी तो सामने से कोई व्हीकल आएगा, फंस जाओगी। ऑन, गुड, चलो चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट दबाओ थोड़ा, वाओ। हाँ, नागिन डांस नहीं करना है, नागिन डांस नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी बीन नहीं बजाई है। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ लेफ्ट आओ, बस राइट रखो, राइट, हाँ गड्ढे को बीच में लो। अब एक्सेलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, राइट दबाओ हल्का, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस बस ज्यादा नहीं, उसको आने दो। चलो राइट दबाओ, इधर नाली खुली है, नाली खुली थी, लेफ्ट आओ, सॉरी कहने से गाड़ी नहीं रुकती है, ठीक है, हल्का राइट दबाओ, सॉरी कहने से स्टीयरिंग नहीं घूमती है, ठीक है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हमें सीधा चलना है, स्लो करो, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, हाँ और लेफ्ट आओ, रोक लो पूरा क्लच देन ब्रेक, इसको पहले गियर में करो, करो पहले गियर में, कट जाए, अब अपना दब निकाल लो, चलो गुड। अगर आप नहीं रोकते तो क्या ये टर्न हो पाता? नहीं हो पाता, इसलिए बिफोर ब्रेक छोड़ो, हाँ जाओ जाओ धीरे धीरे, राइट दबाओ। अगर आप अभी गाड़ी को नहीं रोकती, अगर एक कदम और आगे बढ़ जाती तो आप भी फंस जाते और वो भी फंस जाता। राइट दबाओ, राइट मैडम, राइट दबाओ, आपकी गलती है, आपको पहले थोड़ा प्लान करना चाहिए था मैडम जी, तकड़िए। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। राइट रखो, राइट, आज मैडम एकदम मूड में है। जय हिंद, वंदे मातरम।